बाबा जी शांति में फ्लू वायरस हुआ था तो दवाइयां बदल बदल के था, बुखार नहीं उतरता था। दवाई बदल बदल के कितने दिन चला कार्यक्रम? 10-12 दिन बुखार नहीं उतरता, तो ऐसे ही ऐसे वायरस में। फिर सब एंटीबायोटिक चेंज की दो तीन बार, तो ब्लड आने लगा, ब्लू ब्लू होने लगी सभी में, सारा नीला पड़ गया शरीर नीला। फिर पहले नाक से बहुत सारा खून निकला, नाक से खून निकला। फिर मैं ये रोए बेचारी, बोले बाबा खून इतना, मर जाएगी बिटिया। टिश्यू में लेके हॉस्पिटल दिखाया तो बोलते एक ऐसे है, प्लेटलेट का डाउट नहीं था उसको, तो सारा खून निकल गया। फिर आंखों के ऊपर से रुवे रुवे से निकलने लगा, रोम रोम से खून निकलने लगा, जीभ से। फिर ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज वाला तो मेरे को याद ही नहीं था। खून की उल्टियां होने लगी, फिर कोमा में चली गई। फिर वो सुनती थी, लेकिन ब्रेन हेमरेज एमआरआई किया तो बोलते हैं ब्रेन हेमरेज से, तो फिर प्लेटलेट का पता चला उस टाइम इंग्लैंड में। फिर बोलते कि ये अभी लड़की ब्रेन हेमरेज है, तो हमारे घर से रास्ता 1 घंटे का है ब्रेन का हॉस्पिटल नोटिंगम, तो वहाँ ले जाएंगे। लेकिन ये लंदन की बात है, वहाँ ले जाएंगे, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस का ऊपर वाले को देखो, विश्वास रखो, ऊपर वाला बचाइए, ये बचेगी नहीं, हमारे पास कोई साधन नहीं, साधन नहीं है। वो शांति सुनती थी, हम रोने लगे सभी। वो भी बेचारी 10वीं क्लास में पढ़ती थी 2008 में। फिर उसने भी मन्नत मान ली कि एक बार मैं अच्छी हो जाऊं तो इंडिया हिंदुस्तान जाएंगे, भारत जाएंगे, बस मेरे को भारत ही जाना है। फिर ऐसे मैंने भी मन्नत मान ली थी। फिर आस्था तब तक तब लगाते थे, तो उसको एडमिट करके घर आई है, तो आस्था लगाया तो टीवी में गांधीधाम शिविर थी बाबा की, तो बाबा ने जैसे ही मैंने टीवी खोला कि कुछ सहारा मिले, भगवान कुछ सहारा मिले, तो ये खोला आस्था लगाया, तो बाबा ने ऐसे ही बोला कि मुंबई में कोई लड़के का प्लेटलेट डाउन हो गया था, तो उसकी गिलोई से प्लेटलेट बढ़ गई, तो गिलोई का बाबा ने बोला कि वो लड़के ने प्लेटलेट बढ़ गई, तो मेरा तो जान आ गई। फिर सुना, फिर शिविर में फोन लगाया ऐसे, तो हमारे साइड के ही भाई मिला किस्मत से, तो बाबा जी को पूछ के बोले कि घड़ो खाओ, गिलोय खाओ, अमृता। फिर हम लोग बोले घड़ो तो हमारी साइड है, एक घड़ो बोलते हैं गुजराती गुजराती में। फिर पूछा कि ऐसे कैसे खिलाएंगे, तो बाबा ने बोला हाँ घड़ो खिलाओ, प्लेटलेट बढ़ेगी। फिर हम इंडिया से तुरंत ही मंगाया पार्सल में, 5वें दिन आ गया, बाय चांस आ गया 5वें दिन। फिर 5 दिन में तो ऐसे ही मन्नत मान ली थी बाबा की हमने, कि भगवान ही है, बाबा ही बचाएंगे, तो ब्रेन हेमरेज अच्छा हो गया। डॉक्टर भी बोले कि ये जादू हो या मेरिकल हुआ। फिर 5वें दिन फिर लेस्टर ट्रांसफर कर दी ने, तो न्यू लाइफ नाम पड़ा। ये हॉस्पिटल में सभी ने बोला कि ऊंचा हाथ कर दिया था, ये कैसे बची, ये कैसे है? प्लेटलेट वाले 3000 से 4 लाख से 3000 में कोई नहीं बचता, ये कैसे बचे, जादू ही हुआ। फिर एक गिलोई आ गई ने, तो कुट कुट के मैं छुपके से पानी ले जाती थी इतना, तो पिलाया, ऐसे ही बढ़ने लगी प्लेटलेट। बोलते लाइफ टाइम स्टीराइड खाएगी इनको, ये राइट आँख चली जाएगी, हाथ पैर नहीं काम करेगा, इसको प्लीट खोलनी पड़ेगी बार बार, वो कभी मनुष्य की तरह ही नहीं जिएगी। तो गिलोई से तो ऐसे ही बढ़ने लगी, 1 वीक में तो 50,000 लाख ऐसे होने लगी। फिर उसने बोला कि ये प्लेटलेट कैसे बढ़ती है हमको मालूम नहीं है, तो चलवा के चेक करते, दौड़वा के बैठ के, ये ब्लड में क्या है। फिर पता चला कि ये तो सिराई तो चोरी छिपके से गिलोय पिलाते, पानी ले जाती थी। फिर बोलते स्टीराइड तो छुड़वानी है, बड़ी टीम डॉक्टर की इकट्ठी होके स्टीराइड छुड़ाई, एक अकेले तो नहीं छुड़ाते, के लाइफ टाइम खानी है, ये कैसे छुड़ाइए। 6 हफ्ते में स्टीराइड छूट गई, शांति ऐसी कि ऐसी सभी हो गई, ब्रेन होल ब्रेन रिकवर हो गया, आंख रिकवर हो गई, हाथ पैर रिकवर हो गए। छोकरे नो लग्न थी गयो, लग्न 2016 में लग्न का आमंत्रण देने आए थे, यग्राम तब था,
तब गिलोई की गोली नहीं बनी थी। फिर दोबारा बाबा ने यूट्यूब में रखा तो हमको बोले ये कैसे गड़ो खिलाया, कैसे गड़ो खिलाया, तो लेस्टर में सभी लाखों लोग अभी भी पूछते हैं कि गिलोई कैसे खिलाऊं। गिलोई का मैं सभी को बता दूं, अभी गोली है वही खाओ, गड़ो खाओ। फिर इसकी बेटी बच गई और अब तो बेटी के बेटा बेटी सब बेटा बेटी भी साल की है। अभी इनका डैडी को ब्रेन ब्रेन स्ट्रोक आया था लास्ट टाइम लास्ट ईयर, तो इसलिए आए है। अब उस दिन अब वो भी ठीक हो गया, वो तो चलने लगा, हाथ नहीं काम करता था, इधर आया आपने बोले थे काम सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ये भी अच्छा हो जाएगा। बाबा अब मेरा तो लिए भगवान है, मैं तो यही बोलती हूँ कि यही जीवित भगवान, हम भगवान ही है, मन्नत मानती हूँ भगवान की तरह। चलो ये तो शांति की माँ ना, जब परिवार में चारों तरफ से कोई आशा ना आए नजर और गुरु भगवान पर विश्वास करके जीवन मिल जाए तो फिर गुरु में भगवान का मूर्त रूप दिखता है। अब ये पूरा परिवार योग में भगवान डॉक्टर है, डॉक्टर उसका शांति का हस्बैंड डॉक्टर मिला, वो भी योगी हो गए। चलो जोरदार अभिनंदन है, सब जोग संजोग सब ठीक हो जाता है, तुम अपनी श्रद्धा रखो। चलो अम्मा हाँ राजी रहो।